हाजीपुर में पाठपुर रोड पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कार्यों पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका पर आगामी 2 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान नगर निगम के द्वारा की गई कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत किए जाने को लेकर नगर निगम काशीपुर के द्वारा आज सभी 40 अवैध अतिक्रमण कार्यों को नगर निगम में आकर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया। इस दौरान नगर निगम में 4 अवैध अतिक्रमण कार्यों ने पहुंचकर वहां अपना पक्ष रखा। काशीपुर में नगर निगम के सभागार में आज बाजपुर रोड स्थित हेमपुर स्माइल के 40 में से 4 परिवारों के लोग इस मामले में अपना पक्ष रखने पहुंचे। इन सभी का पक्ष सुनने के बाद काशीपुर नगर निगम के नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त मौजूद रहे। इस्माइल हिम्मतपुर का रहने वाला हूँ, स्थायी निवासी हूँ और ये एक मामला जो है हमारे ग्राम हेमपुर इस्माइल हिम्मतपुर का है और ये माननीय उच्च न्यायालय में ये महेंद्र सिंह ने एक PIL डाली थी। जिस जगह पे हम हैं 1977 से वो एक रोड हुआ करती थी, तो उस समय वो बंद हो गई, तो वर्तमान में रोड 106 नंबर में चले गई। तो उस समय के 1977 से ही हमारे दादा हमारे परदादा, मेरा तो जन्म ही वहीं का है और पूरा गांव हमारा, किसी के पास भी कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही बसे हुए हैं जैसे हम लोग बसे हुए 107 नंबर। प्रशासन से मेरा यही है कहना है कि 107 नंबर पूरा चिन्हित किया जाए। अगर हम अतिक्रमण में हैं और भी हैं तो क्या हम ही उसमें अतिक्रमण, तो हम नहीं हैं, बाकी और भी लोग हैं उसमें, उनको क्यों छोड़ा गया? इस संबंध में एक जनहित याचिका श्री महेंद्र बनाम उत्तराखंड सरकार जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस संबंध में आदेशों के क्रम में हमने जो हेमपुर इस्माइल में जो अवैध अतिक्रमण करता है उनको अपना पक्ष रखने के लिए एक अंतिम मौका दिया है। हालांकि ये प्रकरण दिसंबर माह से विचाराधीन है, पूर्व में इनको मौका दिया गया था, 6 मार्च को भी नोटिस दिए गए थे, बीच में लॉकडाउन होने के कारण जो प्रशासनिक प्रक्रिया एकदम जो है लोग भी अंदर वो हो गए थे। अब 2 तारीख को इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष सारी स्थिति रखी जानी है, तो उस क्रम में हमने जो 40 हमारे अवैध अतिक्रमण कार्यों की सूची हमारे पास थी उनको नोटिस दिया गया कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें, अपने बारे में कोई भी बात करना चाहें, तो 29 तारीख को 11 बजे का मैंने इसमें समय रखा था। उसके क्रम में हमारे पास यहाँ पर करीब 6 लोग आए हैं, 6-7 लोग आए हैं यहाँ पर, और उनको हमने यहाँ पर सुना है, उनको पूरी तरह से उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो निष्कर्ष हैं उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इसलिए सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जों को लेकर के ये मामला है और इस संबंध में हमने उनसे कहा है कि यदि आपके पास उनके भौमिक अधिकार संबंधी कोई अभिलेख हैं और जो कि सही पटल पर नहीं लाए गए हैं तो उनको हमने दर्शाने के लिए उनसे कहा है। कौन कितना कितना श्री जो महेंद्र हैं वो PIL में गए हैं इनको हटाने के लिए, तो उसके क्रम में जो पृच्छा है उसके क्रम में